बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो नीड ऑफ यूजेस, ये चैप्टर 1 का सेक्शन 3 है और ये आपकी बुक के पेज नंबर 11 के ऊपर है। इसमें हम जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ेंगे और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर होनी चाहिए जो कि इसके यूजर्स को चाहिए और फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी। कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है ये है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो कि किसके बारे में, रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन देना किसको, दैट इज़ यूजफुल टू एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो कि यूजफुल होती है मौजूदा इन्वेस्टर्स के लिए और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो कि आगे फ्यूचर में इन्वेस्टर्स हो सकते हैं या ऐसे लोग जो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपकी कंपनी के अंदर या एंटिटी के अंदर या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेंडर्स जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को या एंटिटी को कर्जा देना चाहते हैं, एंड अदर क्रेडिटर इन मेकिंग, इसके अलावा और क्रेडिटर्स जो कि आपको उधार या चीज़ें या सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, इन मेकिंग डिसीजन अबाउट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी, और ये उनको हेल्प करती हैं ताकि वो डिसाइड कर सकें कि इस एंटिटी को रिसोर्सेज जो हैं वो देने हैं या नहीं हैं। Most users cannot insist that businesses supply them with specific information. बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो जो है वो बिजनेसिस को इंसिस्ट नहीं कर सकते, उन पर जोर नहीं दे सकते, उनको मजबूर नहीं कर सकते कि उनको इस किस्म की जो है इन्फॉर्मेशन दें। इंस्टेड दे हैव टू रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाई अ बिजनेस। हाँ, उन्हें क्या करना होता है कि उन्हें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है, उसके ऊपर इंसार करना पड़ता है फॉर मच ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देवी उस इन्फॉर्मेशन के लिए जो उन्हें चाहिए होती है। इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्राफ्टेड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी यूजफुल टू मोस्ट यूजर्स बट विल नॉट नेसेसरीली सेटिस्फाई ऑल ऑफ देयर नीड्स। तो सिंपल वर्ड्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस तरह से ड्राफ्ट की जाती हैं, इस तरह से बनाई जाती हैं कि वो इसके यूज़र्स को जो है वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुहैया करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर किस्म की ज़रूरत को पूरा करें, लेकिन काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन जो है उनको जो है वो मिल जाए। द यूजर्स आल्सो हैव टू लुक एल्सवेयर, ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं यूजर्स को किसी और जगह पर या किसी और तरफ से जो है वो देखना होगा। इंफॉर्मेशनल नीड ऑफ दोज हु यूज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि वो लोग जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं उनकी इंफॉर्मेशनल नीड्स क्या होती हैं, उनकी ज़रूरत क्या होती हैं, यानी उनको इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इसमें कैटेगरी वाइज हम उसको देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स वो लोग जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स इन अ बिजनेस एंटिटी आर द प्रोवाइडर ऑफ रिस्क कैपिटल, इन्वेस्टर कौन होते हैं किसी बिजनेस एंटिटी के अंदर, जो कि उसको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, सरमाया प्रोवाइड करते हैं। अनलेस दे आर managers as well as owners, they invest in order to obtain a financial return on their investment. वो क्या होता है कि अगर वो manager नहीं है या owners नहीं है तो उनका मकसद क्या होता है कि वो अपने investment के ऊपर कोई financial return या profit या dividend जिसे हम कहते हैं technically company के अंदर वो हासिल कर सकें या return हासिल करें जिसे इसमें हम कहते हैं। They need information that will help them to make investment decision. उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि उनको हेल्प कर सके उस फर्म के अंदर या उस स्पेसिफिक एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। इन द केस ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी, द कंपनी की सूरत में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दीज डिसीजन विल ऑफन इन्वॉल्व वेदर टू बाई होल्ड आर सेल शेयर्स इन अ कंपनी। तो फैसला क्या होता है कि हमने उस कंपनी के किसी पार्टिकुलर कंपनी के या मखसूस कंपनी के शेयर्स को खरीदना है कि नहीं खरीदना, उनको अपने पास रखना है कि नहीं रखना या उनको सेल करना है। दे डिसीजन माइट बी बेस्ड ऑन एन एनालिसिस
ऑफ द पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, उनका जो उनका जो डिसीजन है माइट बी बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, तो किसके ऊपर बेस कर सकता है, उस कंपनी की सबका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कि उसके पास एसेट्स लायबिलिटी क्या है या उसकी नेटवर्थ क्या है, एंड ट्राइंग टू प्रिडिक्ट फ्रॉम द पास्ट व्हाट माइट हैपन टू द कंपनी इन द फ्यूचर, और वो अपने पास्ट डाटा को देखते हुए ये प्रिडिक्ट करते हैं, ये तखमीना लगाते हैं, ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इस कंपनी के साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है, मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो गिव सम इंडिकेशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पे डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये भी कहता है कि इंडिकेशन देती हैं कि कोई कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर को किस हद तक जो है वो डिविडेंड दे सकती है अपने प्रॉफिट्स में से। डिविडेंड भी जैसे अपने ऊपर अभी हमने बात की थी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी होती है और वो किस चीज़ के बदले किस मकसद के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उन्हें वहाँ से कुछ रिटर्न हासिल हो सके, तो उस रिटर्न की जो है पेमेंट एबिलिटी की वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो है रिटर्न पे कर सकती है या नहीं कर सकती, जिसे हम यहाँ पे डिविडेंड कहते हैं, वो भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही जो है वो पता चलता है। यानी अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप वहाँ से डिविडेंड अर्न करें, आपको क्या करना होगा, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना होगा 3, 4 साल, 5 साल, 10 साल की, और उसके बाद आपको वहाँ से एस्टिमेट जो है मिलेगा या अंदाज़ा मिलेगा कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड पे कर रही है और आगे इसकी फ्यूचर में इसके जो है वो क्या इसके चांसेस हैं। दूसरे जो इसमें कैटेगरी है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होती है, वो लेंडर्स हैं। लेंडर्स सच एज बैंक्स आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेसेस दैट बारो फ्रॉम देम। लेंडर जो हैं उसने जैसे कहा कि बैंक्स वगैरह जो हैं या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको उन बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो उनसे कर्जा मांगते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन हेल्प लेंडर्स टू असेस द कंटिन्यूइंग एबिलिटी ऑफ द बारोअर टू पे इंटरेस्ट एंड इट्स एबिलिटी टू रीपे द लोन प्रिंसिपल एट मेच्योरिटी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं उन लेंडर्स को ये फैसला करने में या ये असेसमेंट करने में या तखमीना लगाने में हेल्प करती हैं कि ये जो बारोअर है जो आपसे कर्ज मांग रहा है, जो बिजनेस एंटिटी आप उनसे कर्ज लेना चाहती है, उसकी क्या एबिलिटी है कि वो जो वो कर्जा लेंगे उसके ऊपर जो उसका इंटरेस्ट है सूद है वो पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ख़ासतौर पर जो असल रकम है जिसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं जब वो ड्यू होगी जब वो पेबल होगी तो क्या वो उसको पे करने की अहलियत रखते हैं कि नहीं रखते। तो लेंडर्स जो हैं वो भी किसी भी कंपनी को कर्जा या बिजनेस एंटिटी को कर्जा देते वक्त उसकी बैलेंस शीट और उसकी इनकम स्टेटमेंट वगैरह को चेक करते हैं ताकि वो किसी भी फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को जांच सकें। नेक्स्ट कैटेगरी जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ करना होती है वो हैं सप्लायर्स एंड अदर पेड क्रेडिटर्स। वो लोग जो मटेरियल सप्लाई करते हैं या किसी किस्म के सर्विस सप्लाई करते हैं या क्रेडिटर्स जिन्हें हम कहते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी इज आल्सो यूजफुल फॉर सप्लायर हु प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अ बिजनेस एंटिटी। ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं, सूझमंद होती हैं जो किसी बिजनेस एंटिटी को उधार गुड्स प्रोवाइड करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड अदर ट्रेड क्रेडिटर या इसके अलावा और क्रेडिटर्स जो भी किसी किस्म की चीज़ें जो है वो कंपनी को उधार प्रोवाइड करते हैं। हु आर ओव्ड मनी बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ डेट्स इंकर्ड इन इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। कि जिन लोगों ने कर्जा लेना होता है उस कंपनी से जो कि उस कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन के अंदर जो है पैसा लगा देते हैं तो वो भी जो है वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं कि वो इस कंपनी के ऑपरेशन के अंदर जो है पैसा लगाएं या ना लगाएं। सच एज मनी ओन्ड फॉर रेंट और इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन चार्जेस। कि आपने जिन करें आपदा की जो है बिजली यूज़ कर रही है या टेलीफोन कंपनी के टेलीफोन जो है वो यूज़ करते हैं तो इस तरह के जो क्रेडिटर्स हैं जो इस तरह के सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करते हैं तो वो भी ये असेस करते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के जरिए से कि हमने किसी कंपनी को जो है वह अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है कि नहीं करनी है कार के ऊपर लेना।
they can use the financial statements to assess how much credit they might safely allow to the entity. उनको ये जो है वो असेस करने में आसानी हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए से वो किसी कंपनी को कितना या किसी बिजनेस एंटिटी को कितना जो है वो कर्ज दे सकते हैं या उधार दे सकते हैं। अगला जो यूजर है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का वो क्या है, गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट खुद या गवर्नमेंट के जो अदारे हैं जिस तरह से FDR है, SECP है और बहुत सारे अदारे जो हैं आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, वो भी जो है बिजनेस एंटिटीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है इंटरेस्टेड होते हैं। दे माइट यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस रेगुलेशन आर डिसाइडिंग टैक्सेशन पॉलिसी, वो इस इंफॉर्मेशन की मदद से जो है वो बिजनेस को रेगुलेट करने के हवाले से, बिजनेस को कंट्रोल करने के हवाले से जो है कानून कवानी बनाने के हवाले से वो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं या वो उसके ऊपर टैक्स लगाने के लिए जो है वो उस इंफॉर्मेशन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। नेक्स्ट यूजर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पब्लिक। इन सम केसेस मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक माइट हैव एन इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ये रेयर है लेकिन सम केसेस में जैसे उन्होंने कहा कि जो है वो जनरल पब्लिक भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड होती है। द IASB फ्रेमवर्क कमेंस, फॉर एग्जाम्पल एंटिटीज बी मेक अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द लोकल इकोनॉमी इन मैनी वेज इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पीपल दे एम्प्लॉय एंड देयर पैट्रोनेज ऑफ लोकल सप्लायर्स। IASB इंटरनेशनल अकाउंटेंट बोर्ड जो है वो रिकमेंड करता है कि जो एंटिटीज़ हैं यानी बिजनेस एंटिटीज हैं वो किसी भी मुल्क की इकानोमी के अंदर जो है वो एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, किस तरह से, लोगों को मुलाजमत दे के एंड देयर पैट्रोनेज ऑफ लोकल सप्लायर्स, और वो जो लोकल सप्लायर जो छोटे छोटे सप्लायर होते हैं उनकी सरपरस्ती करके। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि लोकल सप्लायर किस तरह से, जब एक बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो फिर बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री जो हैं उससे रिलेटेड जो है वो लगती हैं। मसलन अगर हम किसी टेक्सटाइल मिल की बात कर लेते हैं तो टेक्सटाइल मिल एक बड़ी बड़ा जो है वो बड़ी एंटिटी होती है तो उसको बहुत सारे उससे बहुत सारे रिलेटेड बिजनेस होते हैं। मसलन कोई उसको जो है पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड करता है, कोई उसको जो है वो लेबर प्रोवाइड करता है, कोई उसको जो है वो यार्न धागा इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता है, कोई जो है उसके उसका टेक्सटाइल मिल का एक वेस्टेज होता है वो भी जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है, उस वेस्टेज को लेके जो है उसको साफ़ करने के बाद दोबारा फिर उससे जो है मोटा कपड़ा या जैसे रद्दरियाँ वगैरह जो होती हैं तो वो वगैरह वो बना लेते हैं। तो इस तरह से जो एक बड़ी इंडस्ट्री जो है, एक बड़ी बिजनेस एंटिटी छोटे छोटे सप्लायर्स की, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स की, मैन्युफैक्चरर्स की बिजनेस की सरपरस्ती भी करती है। तो इस तरह से कंपनी जो है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर जो है कंट्रीब्यूट कर रही होती है और सोसाइटी को जो है वो सोसाइटी की वेलफेयर के अंदर भी हिस्सा ले रही होती है। नेक्स्ट यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज़ को भी अपने एम्प्लॉयर की जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी उसके जो फाइनेंशियली वीक सब तक साउंड है या मुस्तकम है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसका प्रॉफिट कितना है उसके बारे में वो इंटरेस्टेड होते हैं। एन असेसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कैन हेल्प एम्प्लॉयज टू रीच अ व्यू ऑन द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू पे हायर वेजेस। तो वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से ये जो है वो असेस कर सकते हैं कि इस कंपनी की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो अपने एम्प्लॉयज को किस हद तक जो है वो हायर सैलरी जो है या वेजेस पे कर सकते हैं और प्रोवाइड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर, या वो अपने एम्प्लॉयज को कितनी ज़्यादा जो है वो जॉब के मौके दे सकती हैं यानी प्रमोशन के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से। तो वो सारा कुछ एक एम्प्लॉय कहाँ से जांचता है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के बाद जो है हेल्प करता है। आप भी जब क्वालिफिकेशन अपनी कम्प्लीट करने के बाद जॉब के हवाले से जाएंगे तो आपने जो है किसी भी कंपनी को चूज़ करते हुए तो आपने जिसमें जॉब करनी है तो आपने उसकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखना है कि वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है पिछले 4-5 साल या 6 सालों के, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, उसका स्कोप कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। तो जितनी बड़ी कंपनी होगी उसमें आपके लिए ग्रोथ के मौके ज़्यादा होंगे, आपके सीखने के मौके ज़्यादा होंगे और आपके आगे बढ़ने के मौके ज़्यादा होंगे। कस्टमर्स
Customers might be interested in the franchise strength of an entity, especially if they rely on that entity for the long-term supply of key goods or services. जो आपके कस्टमर्स हैं वो भी इसके बारे में जो है वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग आपसे चीज़ें ख़रीदते हैं वो भी आपके एक तरह के डिपेंडेंट बन जाते हैं, वो आपकी चीज़ें सप्लाई करते हैं, आगे आपसे ख़रीदते हैं और आगे अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। तो अगर कोई कंपनी जो है उसका बिज़नेस अच्छा नहीं है, उसकी फाइनेंशियल पोजिशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उसके जो कस्टमर हैं वो भी लूज़ होना शुरू हो जाएंगे और आस्ते आस्ते किसी और कंपनी की तरफ, किसी और बिज़नेस एंटिटी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये क्योंकि वो सोचेंगे कि ये कंपनी तो ख़त्म होने जा रही है, तो हम आइंदा अपने कस्टमर को क्या चीज़ें बेचेंगे, इसलिए वो दूसरे स्ट्रॉन्ग और बड़े या मोर प्रॉफिटेबल या मोर जो कंसिस्टेंट जो है वो स्प्लाइज की तरफ जो है चले जाएंगे। दूसरे जो आपके कस्टमर्स हैं वो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि ये कंपनी कहाँ जा रही है, इसकी आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। मैनेजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूजर्स बाय द आईएएसपी फ्रेमवर्क। इंटरनेशनल अकाउंट स्टैंडर्ड बोर्ड जो है उसने इसको इनके यूजर्स के अंदर शामिल नहीं किया है, बिकॉज मैनेजमेंट शुड हैव एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन दे नीड, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन तो उनके पास ही होती है, जो कि क्योंकि उन्हीं ने तो ये सारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है, तो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है एंड इन मच मोर डिटेल दैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड, और वो ज़्यादा डिटेल में उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, यानी उनके पास जो जो चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होती हैं, जो डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होती है, एम्प्लॉज़ के अंदर के पास या मैनेजमेंट के पास या मंजिल के पास उससे भी बेहतर इंफॉर्मेशन होती है। हाउएवर मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तहम मैनेजमेंट जो है वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है एंड माइट बी इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन दे कंटेन, और वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। एम्प्लॉज मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स आर कॉल्ड इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो एम्प्लॉज हैं या मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरनल यूजर, ये क्योंकि बिजनेस एंटिटी के अंदर बैठे होते हैं तो इसलिए उनको इंटरनल यूजर कहा गया। ऑल अदर यूजर्स आर एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो बाकी जो है क्या कहा जाता है कि एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।